होगी, परमिशन नहीं मिलेगा, बारिश हो जाएगी, धूप ज्यादा है, ये सब बात जो है बिल्कुल निरर्थक साबित होता है। तो आप सबसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके राज्य से यात्रा गुजर रही है और इस यात्रा का जो एक मुख्य फोकस है वो है विद्यार्थियों, नौजवानों और महिलाओं को। आपसे मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, खास करके जो हमारे सीनियर लीडर हैं, अभी हम NSOI का भी मीटिंग लेंगे, साइमल्टेनियसली आपका मीटिंग चलेगा, कि आप अपने इलाके के नौजवान और विद्यार्थी को इस यात्रा का मैसेज क्या है, क्यों हम ये यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि आप चुनाव के लिए यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा इलेक्टोरल नहीं है। अगर चुनाव के लिए यात्रा कर रहे होते तो यात्रा की शुरुआत मणिपुर से नहीं होती जहां 2 सीट है। मणिपुर से हम यात्रा की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को पिछले 2 साल में एक बार मणिपुर का नाम याद आया है, जब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का हैप्पी बर्थडे करने के लिए उन्होंने ट्वीट किया था। लोगों की जान जाती रही और मणिपुर का नाम उनके जुबान पे नहीं आया है। वो कुछ भी बोले आप मणिपुर बोल देंगे, उनको गुस्सा आ जाता है। मणिपुर से हम इसलिए यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे लिए भारत का एक संकल्प है। संकल्प ये है कि अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हम भारत को सिर्फ जमीन के तौर पे नहीं देखते हैं। भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो उम्मीदें हैं, सपने हैं, उनका जो अधिकार है, उनके जो बुनियादी सवाल है, उन सवालों से देश बनता है। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार लोगों के ऊपर अन्याय बढ़ रहा है और उस अन्याय को समाप्त करके न्याय को स्थापित करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। तो ये जो मैसेज है यात्रा का, जो मोहब्बत की बात है, उस मैसेज को, जो न्याय की बात है, उस मैसेज को हमको लोगों तक लेकर जाना है। और लोग के अंदर जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, तो उनको यात्रा तक लेकर के आना है, उनको राहुल जी तक लेकर के आना है। यह जब संवाद हमारे बीच में स्थापित हो जाएगा, चुनावी हार जीत बहुत छोटी चीज होती है, जिस पार्टी ने इस देश में अंग्रेजों को हराया है उसको हार जीत का फर्क मालूम होता है। चुनावी हार जीत की कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये इतिहास बनाने का अवसर आप सब लोगों को मिला है, तो जब मौका मिला है तो स्वर्णिम इतिहास बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।